टाटा पावर ने अजमेर में आके 2 वर्ष पूर्ण किए हैं, तो 1 जुलाई 2019 को हमारा फाउंडेशन डे की हम सबको बधाई देते हैं, सभी स्टेक होल्डर्स को बधाई देते हैं। इस 2 वर्ष में हमने जो उपलब्धियां हासिल की है, जो कस्टमर्स के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है इस 2 साल में, इसका भी हमने आप लोगों को संक्षिप्त में प्रेजेंटेशन जो दिया है। इस 2 वर्ष में हमने काफ़ी कुछ लॉसेस कम किए हैं यहाँ के अजमेर के, जैसे आपने देखा होगा कि करीब करीब 20-22% से हम 11% पे आए हैं। इससे कस्टमर्स को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है, रिलायबिलिटी काफ़ी बढ़ी है सप्लाई की। पहले जो इंटरप्शंस होते थे, जो कस्टमर्स के लिए जो इंटरप्शंस होते थे, काफ़ी कम हो गए हैं। जो कस्टमर्स की कंप्लेंट्स थी, उसका हमारा रिस्पांस टाइम काफ़ी अच्छा बढ़ गया है। पहले जिस तरह से रिस्पांस टाइम कम था, वो अभी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। विद इन 40 मिनट्स हम कस्टमर्स को सर्विसेज देते हैं। न्यू कनेक्शंस हम काफ़ी 1.5 से 2 दिन में हम न्यू कनेक्शंस कस्टमर्स को देते हैं। मेन हमारी जो प्रॉब्लम्स आ रही है, सिर्फ रिकवरी की जो प्रॉब्लम्स आ रही है, काफ़ी 20 से 25 करोड़ का अभी आउटस्टैंडिंग ड्यूज कस्टमर्स के ऊपर है, तो उस ड्यूज को रिकवर करने के लिए काफ़ी हम प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा टाटा पावर ने काफ़ी अच्छे काम यहाँ पर दरगाह एरिया में किया है, जो लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है इस चीज़ को। दरगाह एरिया में हमने नेटवर्क क्लोज किया है, जो पब्लिक सेफ्टी से रिलेटेड हमने यहाँ पर काम किया है, जिससे पब्लिक सेफ रह सके हमारे यहाँ अजमेर में। बीइंग अ स्मार्ट सिटी, हम काफ़ी कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं कि जहाँ पर कुछ नेटवर्क कुछ अंडरग्राउंड करना है, जहाँ पर पब्लिक के लिए अनसेफ नेटवर्क है उसको सेफ करना है, नेटवर्क को क्लोज करना है, लॉसेस कम करने हैं, इस पर हम काफ़ी काम कर रहे हैं। करीब हमने पिछले 2 साल में 47 करोड़ रुपये का खर्च किया है, जबकि हमारा कमिटमेंट 5 साल में हमने 37.5 करोड़ खर्च करना था, बट 2 साल में हमने 47 करोड़ यहाँ खर्च किए हैं इम्प्रूवमेंट्स के लिए, सप्लाई इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए, प्लस कस्टमर सर्विसेज को बढ़ाने के लिए।